हेमंत पानी पिला दो। ले लो ना, रखा तो है। उसे पता है ये आदमी मुझे यार बोल मेरे को मजा। तो हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे आजकल के लोगों को, तो बच्चों को वीसीआर पता भी नहीं क्या चीज थी है। तो हम लोग वीसीआर में रिकॉर्ड किया करते थे, और मेरे दादाजी रोज शाम को उन्होंने वही एपिसोड रोज चलता था। नमस्कार दोस्तों, जॉली अंकल पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हम अक्सर टीवी में, फिल्म, सीरियल या थिएटर में जब भी मूवी देखने जाते हैं, या कई बार स्टेज प्ले यानी नाटक देखने जाते हैं, तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हमें इम्प्रेस करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो होता है हीरो। मैं अब 70 साल प्लस का हूं, आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, या किसी भी एज ग्रुप से आपका है, लेकिन एक ख्याल, एक ख्वाब हमारे मन में जरूर आता है कि काश मैं भी कभी हीरो बनता। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में, बड़े लोगों के मन में ये ख्याल तो आता है, लेकिन वो हीरो क्यों नहीं बन पाते, एक्टिंग क्यों नहीं सीख पाते, कहाँ कमी रह जाती है। एक्चुअली जितना मैं समझ पाया हूं कि हमें पता ही नहीं लगता कि इस चीज की शुरुआत कहां से करनी है। एक वर्ड आपने सुना होगा, ALTG। अब आप कहेंगे कि ये ALTG क्या होता है। अगर आपका शौक, आपके मन में पैशन है, जुनून है कि आपको एक्टर बनना है, आपने एक्टिंग सीखनी है, तो एक वर्ड ये याद रखो, ALTG। इसकी फुल फॉर्म है ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप। आज एक्टिंग से जुड़े हुए हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आप एक कामयाब एक्टर कैसे बन सकते हैं, सफल चाहे टीवी में होना है, चाहे फिल्म में या स्टेज में। तो इसके बेसिक गुण क्या है, क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या कुछ करने की जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से अगर एक्टर बनते तो शायद आधी दुनिया आज एक्टर होती। तो आज ALTG ग्रुप के चीफ हेमंत अग्रवाल जी, जो कि थिएटर की दुनिया में एक जाना माना नाम है, बहुत सारे प्लेस वो कर चुके हैं, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी अदरवाइज अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को ट्रेन करके वो एक्टर बना चुके हैं। तो आइए मिलके सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर और बात करते हैं। हेमंत अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जॉली अंकल। और क्या है, कैमरा ऑन है, फिर भी मैं चाहूंगा एक बार शुक्रिया, बहुत और बहुत धन्यवाद, आपने इस बच्चे को इस लायक समझा और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आज आपसे बात करके। बाकी जैसा चाहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी देखने वालों को आप ब्रीफ में थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि मैंने जब आपकी लिस्ट देखी तो लिस्ट इतनी लंबी थी कि मैंने, मुझे तो वो याद नहीं रह सकती। मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि ये बेहतर है कि आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आपकी सारी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में आप प्लीज खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सर, अगर मतलब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ और भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। तो स्कूल मैंने कॉमर्स साइड से किया है और पेशे से मैं एक टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ITI किया। फिर BPL इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंपनी उस जमाने में हुआ करती थी, BPL के TV हर घर में होते थे, तो उस कंपनी में मैंने बेंगलोर में तकरीबन 1.25 साल वहां पर और 1 साल दिल्ली में मैंने जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी शॉप खोल ली थी, तभी से करता हूँ। थिएटर का शौक एक्चुअली स्कूल में, जैसे ना वो नहीं होते, हाउसेस बने होते हैं जी, है ना, तो हमारे स्कूल में ऐसे हाउसेस बने हुए थे और हर हफ्ते उस हाउस के की जिम्मेवारी होती थी भी प्रेयर के बाद जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है आप। तो मुझे आज भी याद है, मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी वर्षा मैडम, और
भगवान की कृपा से आज भी उनके घर आना जाना है मेरे लिए, वो मेरी दूसरी माँ की तरह है। तो उनका बड़ा हाथ रहा मुझे स्टेज पे धक्का देने, मतलब मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। और एक दिन वो जिस बच्चे ने करना था वो बच्चा उस दिन आया नहीं, तो मैडम ने पता नहीं कहाँ से एक प्रिंटेड चादर वादर उठा लाई, मेरे को ब्लैक और काला यहाँ पेंट वेंट कर दिया, एक पेड़ की पत्ती तोड़ के यहाँ बांध दी, एक डंडा हाथ में दे दिया और स्टेज पे फेंक गया। मेरी हुटिंग होने लगी स्टेज, अब मैं रो रहा हूँ, मतलब दसवीं क्लास का बच्चा रो रहा है स्टेज पे खड़ा हुआ, क्यों मेरी तो बेइज्जती हो रही है, सारा स्कूल मेरे आंसर है। तो मैम ने बोला तो कुछ भी करते जाके। अब मेरे को ना, मैंने कहा मैडम मैं बना क्या है ये तो बता दो मेरे को, मतलब तेरे को ना नीगरो बनाया, मैंने नीगरो जैसे नहीं होते साउथ अफ्रीका वाले, वो मैं हिस्ट्री पढ़ाया करती थी मैम। तो हमने जाके ना मैंने कुछ धूमधाम पता नहीं मैंने उस टाइम क्या किया, और जो मेरी हुटिंग हो रही थी वो तालियों में बदल गई। तो तकरीबन 2500 उस टाइम बच्चा स्कूल में था जो मेरे लिए जिन्होंने ताली बजाई, एंड दैट वाज द डे जो मुझे लगा यार गुरु आइटम तो स्टेज है भाई, ये तेरे को भी रुला सकती है और तू अकेला है जो सबको हंसा भी सकता है या उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कैच कर सकता है। बट वो बचपना था, नहीं इतना गौर गया उन चीजों पे, तो वहां से जिंदगी थिएटर की मुझे लगता है। वर्षा मैडम थी और एक मेरी टीचर और थी प्रेमलता गर्ग मैडम, मैं हिंदी में बहुत अच्छा रहा जी, मतलब मेरी क्लास में फर्स्ट आया करता था हिंदी में, कि वो मेरी हिंदी डिक्शन सुधारने में मैम का बहुत हाथ रहा मेरे लिए। तो दो टीचर्स का मैं, और मुझे लगता है कि आप हमेशा उनका आपको शुक्राना करना चाहिए जिनसे आपको जीवन में बदलाव कुछ मिला जी। तो वो मेरी दो टीचर्स ऐसी रही मेरे लिए मेरी लाइफ में, और भगवान की दया से आज भी उनके घर आना जाना है। और वर्षा मैडम तो कई जगह मेरा एग्जाम्पल भी देती है कि भाई ये बच्चा कहाँ से उठा था और आज किस लेवल पर ये काम कर रहा है। तो मेरे लिए भगवान की कृपा से वो बिल्कुल, एक तरफ आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन है, लेकिन आप इंजीनियर से ज्यादा काम करते हैं जी, क्योंकि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ जिस तरह का आप काम करते हैं, सोशल स्टेटस आपका जो रेपुटेशन है वो सारी दुनिया जानती है। तो थिएटर दोनों चीजें, इधर आर्ट कला और वो बिल्कुल टेक्निकल लाइन, ये बड़े दोनों अलग डायरेक्शन में चलने वाली लाइनें, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको थिएटर की तरफ खींचा? सर मेरे फादर को ना कवि सम्मेलनों में जाने का बड़ा शौक था, मतलब उनको कविताएं सुनने का बड़ा शौक था। तो उस जमाने में लाल किले के अंदर हर 26 जनवरी के एक आध दिन आगे पीछे हिंदी कवि सम्मेलन, उर्दू का कवि सम्मेलन, उर्दू का मुशायरा और पंजाबी कवि दरबार अभी भी होता है। वो आज भी होता है, आज भी होता है, लेकिन अब वो ना उसकी डेट दिल्ली सरकार अपनी हिसाब से आगे पीछे कर देती है, लेकिन वो उस जमाने में फिक्स था कैसे होगा। तो सर एक बार मैं, और उस जमाने में 5-5, 6-6 हजार लोगों की गैदरिंग आया करती, और अब हुआ क्या, एक दिन एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कवि ने कुछ सुनाया और सारा पंडाल खड़ा होकर ताली बजा रहा था, और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब, और मैंने ऐसे देखा लोगों को, मैंने कहा यार गुरु ये काम करना है बाबू, तालियां मिलती है इकट्ठी इतनी सारी। तो वो इनपुट अच्छा, वहां से मेरे को आदत हुआ, मैंने कविताएं याद करने लग गया, मुझे आज भी 60-70 कविताएं दूसरे कवियों की आज भी याद है। और उसका असर ये हुआ कि वो रामानंद सागर की रामायण आनी शुरू हुई थी उन दिनों जी, तो हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे, आजकल के लोगों को तो बच्चों को वीसीआर पता भी नहीं क्या चीज होती है, तो हम लोग वीसीआर में रिकॉर्ड किया करते थे, और मेरे दादाजी रोज शाम को उन्होंने वही एपिसोड रोज चलता था। तो उसकी वजह से पहले एपिसोड से लेकर और आखिरी एपिसोड तक जितने संस्कृत के मंत्र आते थे, जितने गीत आते थे, वो मुझे आज भी कंठस्थ याद है। लोग शिव स्तोत्र की बात करते हैं, मुझे 9वीं क्लास में शिव स्तोत्र कंठस्थ था, आज भी कंठस्थ। तो मुझे लगता है आप जो भी जहां पर होते हैं ना, आपका बचपन उसमें बहुत इन्वॉल्व रहता है, आप सीख कर डॉक्टर तो बन जाएंगे किसी जाकर, लेकिन आपको आपका हाथ कितना साफ होगा इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस बहुत की, ऐसी मजे मजे में कविताएं याद कर लेता था, स्कूल में स्टेज पे सुनानी शुरू कर दी, तो वहां से इम्प्रेसिव मेरा काफी काम हुआ। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अभ्यास और प्रयास ये तो किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है जी जी, और जो चीज आपने कही कि तालियों का आनंद लेना है, तालियां बटोरनी है, तो प्रयास और प्रयास तो लगातार करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और ये नहीं है कि आज कर लिया 15 दिन बाद कर लेंगे, फिर उसका आनंद नहीं मिलता। और
मतलब मैंने आठवीं क्लास में ही जो मैंने सबसे पहला नाटक लिखा था मुझे आज भी याद है, उसका नाम था पति बिक्री केंद्र। पति बिक्री केंद्र, हाँ पति बिक्री केंद्र था उस नाटक का नाम, मुझे आज भी याद है। और एक कवि है मध्य प्रदेश में एक जगह कटनी, वहां के कवि है मनोहर मनोज, उनकी उस कविता पे मैंने नाटक लिखा। और उसका थीम इतना अच्छा था कि मान लीजिए मेरी बेटी है, जब वो शादी लायक हो जाएगी तो मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का देखने के लिए जाऊंगा, तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, कोई लड़का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, ये देखते हैं। लेकिन सामने वाला कह दे कि लड़का टीचर है, तो हम थोड़ा हाथ पीछे खींच लेते हैं, और उस टीचर की वजह से वो सब बने हैं जिनको मैं देखने जा रहा हूं। तो इसके ऊपर वो व्यंग था, एक सटायर था वो नाटक, और वो बहुत अच्छा गया मेरा स्कूल में। मतलब उसके बाद उसमें प्रेमलता मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता था डायलॉग कैसे लिखते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता था इसको डायलॉग कहते हैं, बस मुझे ये पता था कि मैं सीन डेवलप कर लेता हूं, मैं सीन को डेवलप कर लेता हूं, ये मुझे समझ में आ गई थी कि आप मुझे दो, जैसे आपने कहा बेटा इधर आओ, बड़ी सिंपल सी लाइन है, को कहेगा हाँ ये बुला रहा है, लेकिन वो चल के कैसे आएगा, इसमें कितनी सारी वेरिएशन हो सकती है, वो धीरे चल के आएगा, वो तेज चल के आएगा, वो वापिस मुड़ जाएगा, या वो डर डर के आपके पास आएगा, या खुशी से आएगा। तो आपने तो कहा सिर्फ इधर आओ, लेकिन उसकी वेरिएशंस कितनी सारी मिल गई आप, मींस कि भी उसमें बॉडी लैंग्वेज, एग्जैक्टली एक्सप्रेशन, किस माहौल में, किस मूड में मुझे जाना है, जी हंसते हुए जाना है, थोड़ा सीरियस होके जाना है, बिल्कुल, या ये सारी चीजें जो है बेसिक क्वालिटीज, जी ये ट्रेनिंग के दौरान मतलब की आती है, बिल्कुल आती है। और मुझे लगता है आपको अगर एक्टिंग सीखनी है ना, तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के, जो शायद थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे हैं, चलना सीखे, अगर आप उनके पास बैठ के उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करोगे ना, आप बच्चे को गाइड थोड़ी कर सकते हो इस एज में, वो आपको गाइड करेगा, मुझे पानी पीना है, आप पानी लेके आते हो, भूख लगी है, आप खाना लेके आते हो, लेकिन जब वो जिस टोन में बोल रहा होता है, जिस तरीके से बोल रखा होता है, वो कितना सच्चा होता है। अभी तक आपने कितने प्ले लिखे हैं, और वैसे तो सारे ही बहुत पॉपुलर हैं, कुछ तो मैंने भी देखे, मेरे परिवार ने भी देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। लेकिन आपके दिल के करीब सबसे कौन सा प्ले है? देखिए सर, मैंने जो जितने भी प्ले लिखे हैं, एक तो मेरे प्लेज के ना नाम बड़े अलग से होते हैं, तो लोग पूछते हैं यार ये कैसा नाम रखा हुआ है। अब मैं ज्यादातर कहानियों पर लिखता हूँ नाटक जो है, तो जो मेरा अभी तक का सबसे अच्छा जो मेरे को पसंद नाटक है, और इसके हम काफी सारे शो भी कर चुके हैं, उसका नाम है इब्ने बतूती, और एक माँ और बेटे की कहानी है, और एक है पापा मैन, जो सब जी वो देखा है, हमारी दोनों बेटियां भी देखने आई थी अपने पापा के साथ, और उनके पापा ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बोली थी जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो एक तो वो पापा मैन और ये इब्ने बतूती मेरे बहुत इसलिए करीब हैं क्योंकि इनको लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा, और इनको तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक एक चीज मेरे अंदर, ये कह लीजिए कि जिसको आप अल्लाह भगवान वाहेगुरु कुछ कहिए, वो मेरे अंदर डाल रहे थे जी, जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनल प्ले भी है और बहुत कॉमेडी प्लेस भी है, कई कई जगह वो बहुत कॉमेडी भी आ जाती है, कि इमोशन के साथ कॉमेडी डालना जो रेलेवेंट भी हो, बिल्कुल ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो ये दोनों प्लेस मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आने वाली 3 और 4 अगस्त को मैं ये दोनों प्ले कर भी रहा हूँ दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में, इंडिया हाउस। मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी बताएं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारे आपने इमोशंस और ये सारी बातें जो अभी आपने की, इतनी क्रिएटिविटी आप कहाँ से लेके आते हैं? सारा दिन तो आप टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और दूसरी चीजों में मतलब कि आप बिजी रहते हैं, तो फिर इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से निकलती है? कौन सी ऐप यूज करते हो आप? नहीं, ऐप तो नहीं है जी, मैं अपने आप को यूज करता हूँ, ऐप यूज नहीं करता, मैं अपने आप को यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं क्या सर, मेरा जो काम है उस सिलसिले में ना, मुझे रोज के 8-10 घरों में जाना पड़ता था, जितने घरों में जाऊंगा वहां उतने लोग मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, अलग अलग लोकेलिटी के लोग हो सकते हैं। तो मेरी ना ऑब्जर्वेशन पावर मुझे लगता है ऐसा शुरू से बचपन से बहुत अच्छी रही, कि हमने डोरबेल बजाई किसी की तो पहले नौकर आएगा, हाँ जी बोलो, कोई नौकर आएगा, कोई अन्य, हाँ जी बोलिए, मैं कहीं इस काम के लिए, आप बाजी आ गए ना, द वे यू से समथिंग, द
वे यू आर स्टैंडिंग इन, खड़े कैसे हो आप, बोल कैसे हो आप, चल कैसे हो, इन चीजों को अगर आप धीरे धीरे पकड़ते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। अब मैं सर ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएशन में सच बताऊं तो लास्ट थर्ड ईयर के दो पेपर दे देता तो ग्रेजुएट भी हो जाता, पर काम में बहुत जल्दी क्योंकि परिवार की कुछ ऐसी बातें थी मुझे जल्दी पढ़ना पड़ गया। तो मुझे और इमोशन अगर आपको समझना हो आई थिंक आपको अपने घर के मेंबर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, आपके फादर गुस्से में कैसे हो जाते हैं, आपके फादर प्यार में कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप राह चलते आदमी को थोड़ी बोलोगे यार तेरा गुस्सा करके दिखाइए मुझे ऑब्जर्व करना है तो कान पे ऐसे आप अपनी मदर को खाना बनाते हुए देखिए कि कैसे वो रोटी बेलते टाइम उनका बेलन भी चल रहा है, रोटी तवे पर भी जा रही है, फिर दूसरी प्लेट उठा के इतनी देर में वो खाना भी भर के दे रही है जा बेटा पापा को दिया, तो कैसे उस कभी उनको चाय बनाते हुए देखिए आप कि कैसे उनका हाथ उसी जगह जाता है जहां चाय की पत्ती रखी है। आप ही का घर है, आपको पता है मम्मी ने चीज कहां रखनी, लेकिन तब भी आप जाते हो तो आपको वो चीज ढूंढनी पड़ती है। दिस इज हाउ यू मस्ट ऑब्जर्व। और हाँ मैं एक दिन क्लास ले रहा था, मैंने कहा अपने पापा वगैरह को ऑब्जर्व करो, बोले पापा को बताएं, मैंने कहा बता दे उसके बाद तेरे बाप तेरे थप्पड़ मारे भाई, मैं तो मुकर जाऊंगा, मैंने नहीं बताया इसको। ऑब्जर्व मीन्स, और आज के जमाने में तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इतनी पब्लिक आपके आसपास है, आप मेट्रो में जाते हो इतने लोग आपको ऑब्जर्व करने को, और आप हंसोगे देख देख के कर क्या रहा है। और आजकल के बच्चों ने जो बॉडी पोस्चर अपना खराब कर लिया है, मेट्रो में घुसते ही मैं देखता हूँ सीधे खड़े नहीं रह सकते, वो सहारा ढूंढते हैं कोई, कभी पाइप के ऊपर, कभी शीशे के ऊपर है ना जी, कभी यूं लटक जाएंगे, कभी कोई दोस्त खड़ा दोस्त के ऊपर लटक जाएंगे, दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज देयर बॉडी। इन चीजों से देख देख के बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत कुछ सीखा कि ये कैरेक्टर मेरे इस प्ले का ना ऐसा बनेगा। थिएटर की एक्टिंग के बारे में आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस और बहुत सारे टिप्स आपने शेयर किए, तो थिएटर का जो एक्टर है टीवी में जी, या जो शॉर्ट फिल्म्स की आज ट्रेंड शुरू हो गई है टाइप की, या जो मेन स्ट्रीम है सिनेमा का, इनमें क्या फर्क है? जो स्टेज का एक्टर है और जब वो कैमरे के सामने जाता है तो उन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या उनको इश्यूज आते हैं या चैलेंज आते हैं जो कि उनको हैंडल करने पड़ते हैं? एक तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, थिएटर और फिल्म या कैमरा ये दोनों अलग अलग मीडियम है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सेपरेट मीडियम हो। थिएटर में मुझे लगता है आपको रीटेक का मौका मिल जाता है प्रैक्टिस के दौरान, जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपसे कोई गलती हो गई तो फाइनल टेक के लिए रीटेक ले सकते हो, लेकिन एक बार आप स्टेज पे चढ़ गए उसके बाद फिर रीटेक का मौका नहीं है आपके पास। कैमरे में क्या होता है, आपको फाइनल टेक में भी आपको रीटेक का मौका मिल जाता है। दूसरा, कैमरे के अंदर एक स्टोरी मिलती है आपको, आपका जो रोल है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको डायलॉग दे दिए जाएंगे, आप यहां से आ रहे हैं, यहां से जाएंगे, ये करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, और आपने दो लाइन चार लाइन अपनी बोली उसके बाद कट लग गया, फिर नेक्स्ट हो गया। आपको ये भी नहीं पता होता कि स्टोरी शुरू कहां से हुई और खत्म कहां हुई जी। लेकिन थिएटर में मेरे को जो पर्सनल इंटरेस्ट ये आता है कि आप मतलब मैं ये मानता हूं थिएटर करना इज लाइक कंसीविंग अ बेबी इनसाइड यू जी, क्योंकि जिस माँ ने जिस दिन उसको पता लगता है कि वो एक नए जीवन को जन्म देने वाली है कुछ समय बाद, उस दिन से लेके एट द टिल द डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ किताबें लिख सकते हैं, डॉक्टरी भाषा लिख देगी भाई ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये होता है, पर वो जनरल है। लेकिन एक इमोशनल जो एक माँ के अंदर उस वक्त चलता है आप कभी नहीं लिख सकते उसको, कहीं भी नहीं लिख सकते। तो थिएटर मुझे लगता है आपको आजकल अगर आप देखें तो कितने सारे ये जो थिएटर एक्टर्स हैं चाहे एनएसडी के हैं जो आजकल फेमस एक्टर्स हो गए, लोग उनके मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर नवाज के हमने इंटरव्यू में देखा वो तो ये कह रहा था, सर हमने इरफान साहब का इंटरव्यू देखा वो तो ये कह रहा था। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, आज वो जिस लेवल पे है वहां तक जाने में उन्हें 15 साल 12 साल 18 साल 20 साल लगे, इस बीच उन्होंने क्या क्या किया तूने जानने की कोशिश की, क्या उनकी वो मेहनत उनकी वो गुर्बत देखने की कोशिश की जिस लेवल पे वो हैं आज? आज क्यों स्टार किड्स इतना नहीं चलते, क्यों वही लोग चलते हैं? क्योंकि वो लोग जमीन से जुड़े हुए,
उन्होंने इतनी जिंदगी अपने आसपास देखी। और ये मैं नहीं कहता हूं सर, ये एक ओमपुरी साहब का और नसीर साहब का एक इंटरव्यू है, उसमें वो कहते हैं अच्छा एक्टर आपको बनना है ना, आप जिंदगी के करीब जाओ, ग्राउंड रियलिटी को समझो। आपके पड़ोसियों को सब्जी वाला है यार, बात करो ना उससे, उसके परिवार में क्या चल रहा है। आपके पड़ोस में कोई सोल्जर रहता है, वो सोल्जर से बात करो ना, सोल्जर होता क्या है, वो सोल्जर सिर्फ गोली नहीं चलाता है जो आप फिल्मों में देखते हो, उसको उस गोली चलाने के लिए जो अपने अपने घर से लेके और वहां तक का जो दौर तय करना पड़ता है, तब जाके वो सोल्जर बनता है। ये जो चीज कही आपने, यहां से मुझे शोले फिल्म का एक इंसिडेंस याद आ रहा है, गब्बर सिंह का जो करेक्टर था जी, जो डायलॉग डिलीवरी थी जी, तो वो एक इंटरव्यू में मैंने जो सुना था उसने, तो मुझे अभी वो ध्यान आ रहा है कि उनके घर में एक धोबी था जो इस तरह से बोलता था कितने आदमी है, वो जो टोन थी जी, तो जो ऑब्जर्वेशन की बात की, तो इसी तरह छोटे छोटे करेक्टर्स को अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए एग्जैक्टली तो बहुत सारी यूनिक चीजें निकल के आ सकते हैं। सर इसमें मैं ऐसे, हम जो भी अगर हम देख भी रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहता हूं आप एक लिस्ट बनाइए अपने घर के मेंबर्स, ये मम्मी का नाम, सबके नाम लिख लीजिए, ये मेरे बिल्कुल नियर एंड डियर वंस हैं, और एक आध उनका नाम लिख लीजिए जिनसे पारिवारिक रिलेशन तो है लेकिन जाना आप पसंद नहीं करते। तो जिनको आप नहीं पसंद करते जब उनके घर जाते हो ना, आप वहां जाते ही आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, देखियो क्या कर रहा है, देखियो कैसे पानी रख रहा है, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, इसलिए आप हर चीज के लिए कॉन्शियस हो जाते हो उसके आगे, और जो आपको पसंद हो जाता है उसके आगे आप कैजुअल हो जाते हो। अब पानी कोई घर में आया है, पानी पकड़ाना, पानी ऑफर करना, ये भी बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, खाली गिलास लाके लो जी पानी, ये ले पानी, बिल्कुल, ये तरीके से सलीके से ट्रे में रख के जी जी थोड़ी इज्जत से लो सर पानी पीजिए जी। तो बात तो वही है, पानी एक गिलास दिया हमने, पानी भी वही है, गिलास भी वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो बहुत कुछ कन्वे कर जाता है। इसमें अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करूं जी प्लीज, ये आपका हेमंत पानी पिला, आपके सिर्फ ये बोलना है हेमंत पानी पिला दो लीजिए सर, शुक्रिया। अब दोबारा बोलिए सर, हेमंत पानी पिला दो, अब दोबारा बोलिए सर, हेमंत पानी पिला दो, ले लो ना रखा तो है। अब तीनों बातों में देखिए सर, आपने पानी, आपने अपनी टोन चेंज नहीं की, लेकिन मैंने अपनी हरकतों से इस पानी पिलाने का मतलब बदल दिया। वहां बैठी हुई जो भी ऑडियंस देख रही है उसको ये लगेगा यार इज्जतदार आदमी है, देखो ठीक है जी, दूसरी बार में रखा तो है ले लो ना, तो ये शो कर रहा है कि आपका मेरा कुछ रिलेशन ठीक नहीं है आपस में। और पहले अरे मेरे बड़े बुजुर्ग हैं यार, आपको पानी पीने पिलाऊंगा, क्या हुआ। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब आप नोट, और मैं जो देख रहे हैं खासतौर पर, प्लीज घर वालों के आगे नहीं करनी है, वो कह देंगे इसकी फिटिंग खराब हो चुकी है, ये पता नहीं क्या क्या नोट करने लग गया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको बिना कुछ कहे आपकी बॉडी की मूवमेंट भी कुछ कहती है। जैसे जिनके घर में छोटा बच्चा है, आप उसके पास जाते हो धीरे से हाथ उठा देता है ना, ये मुझे गोदी ले लेगा, वो हर आदमी के घर के आगे हाथ नहीं उठाता है। वो बच्चा बोलना नहीं सीखा, उसे ये नहीं पता कि उसका रिलेशन क्या है उस शख्स से, वो पापा है, मम्मी है, बुआ है, दादी, उसे नहीं पता। उसे पता ये आदमी मुझे यार गोद उठा देता, मेरे को मजा, उसे उसी के आगे हाथ तो आगे करता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, यहां से आपको जीवन के इमोशंस पता लगते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपने एक्सप्लेन की, तो अगर कोई आदमी जिसके अंदर चाहे एक्टर बनने की, इन चीजों को समझ ले, तो वो क्या परफेक्ट एक्टर बन सकता है? सर बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, बिल्कुल नथिंग इज कॉल्ड परफेक्शन। आमिर खान साहब को सब मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो, और ये मेरा सोचना है कि उनकी स्टोरी कहने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसकी प्रेजेंटेशन उनको कहने का तरीका अलग है, लोगों की सोच से परे चले जाते हैं। नहीं तो एक दौर था 80s में फिल्में आती थी, एक हीरो गरीब होगा,
हीरोइन जो होगी पैसे वाले बाप की लड़की होगी, एक विलन होगा और आखिर में दोनों अपना हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ऐसी फिल्में बनती थी। लेकिन आज जो म्यूजिक जो लोग करते हैं सर, आज के बच्चों को लता दीदी के बारे में इतना डिटेल नहीं पता कि जब लता दीदी राग में गाती थी मतलब मैं सर कई गाने उनके सुन के आज भी सो जाता हूं। लेकिन ये दौर बदला ना, आज से 25 साल बाद म्यूजिक का ट्रेंड कुछ और होगा, उसके 25 साल बाद एक्टिंग का ट्रेंड कुछ और होगा। आज हम रियलिज्म की बात करते हैं, पहले हम उसकी बात करते थे, क्या कहते हैं ये जो ईस्टमैन कलर की जो आने लगी थी पिक्चर्स, उस जमाने की बात करते थे, मेलोड्रामा जिसको कहते थे। तो ये दौर बदलेगा सर, परफेक्शन कुछ नहीं हो सकता, कम से कम परफॉर्मिंग आर्ट में नोबडी कैन बी परफेक्ट। आपकी आपका प्रयास, आपकी मेहनत, अपनी आर्ट को लेके उसकी तरफ डेडिकेशन, ये आपको एक अच्छा एक्टर बना सकती है, आपको परफेक्ट एक्टर नहीं बना सकता। आपने लता जी के गानों की बात की कि आप सुन के कोई भी सो सकते, लेकिन आजकल के जो गाने हैं वो अगर दो गाने भी सुन ले तो सारी रात नींद गायब हो जाती है। बिल्कुल नींद तो हो जाती है सर, लेकिन सर आप कुछ कर नहीं सकते। अब मेरे बच्चे ही सुनते हैं वो गाने, तो मैं क्या बोलूं, उनकी गलती नहीं है, वो जिस दौर में जन्मे हैं वहां ऐसा ही चल रहा है। अब आज की डेट में मैं अगर उनको बोलूं भाई तुम राग मालकोस गाओ, वो कहेंगे पापा माल बेचो दुकान में, हमें हमारा ये चल रहा, उनको नहीं आता इस चीज। और ये बहस का भी मुद्दा नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है, टाइम और टाइम बदलता है, चीज बदल रही है। बस मैं एक चीज बस मैं ये कहता हूँ, कुछ भी करो जीवन में बदतमीजी ना करो, बहुत अच्छी, कुछ भी करो जीवन में बदतमीजी ना करो। स्टेज पे जब आप एक्ट करते हैं, बहुत सारे आपके प्लेज होते हैं, अभी भी आपके प्लेज होने वाले हैं, जी जी, उसकी भी डिटेल आप शेयर करो जी, नेक्स्ट कौन कौन से, ताकि हमें भी पता लगे और हमारे देखने वालों को भी पता लगे। जी जरूर सर, जरूर। तो लेकिन जब भी ये प्ले करते हैं तो सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज से लगता है, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मेमोरी का तो एक डर होता ही है, जो मैंने डायलॉग का बताया कि डायलॉग भूल जाना या आगे पीछे जैसे कोई बोल देता है जी। इसके अलावा सबसे बड़ा डर क्या लग रहता है वहां पर? मुझे सर सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि मेरे से गलती ना हो जाए। अच्छा, क्योंकि देखिये 12-15 लोगों की टीम है एक प्ले में, मान लीजिए 10 लोगों की टीम है तो 10 दिमाग है, 10 बॉडी है, और उसमें मेल फीमेल दोनों है, बिल्कुल ठीक है। तो हम एक टीम वर्क की तरह, आप लोग तो एक पिक्चर देखा है, एक प्ले देखा है 2-3 घंटे का, लेकिन जितनी देर आप पिक्चर देख रहे होते हैं ना, उसके पैरेलल में एक और पिक्चर चल रही होती है जो बिल्कुल प्लान नहीं की गई होती, जो ऑन द स्पॉट चल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं बैक स्टेज। अगले सीन के लिए सामान इकट्ठा करना है, अगले सीन में क्या जाएगा, सेट में क्या लगेगा, लाइट कौन सी ऑन, कई बार होता है लाइट में लाइट ही ऑन करनी भूल गया, या पहले उसने ऑन कर दी, या म्यूजिक वाले ने म्यूजिक जल्दी चला दिया या चलाया ही नहीं, तो एज अ ऑडियंस तो आपको पता नहीं। और एक कलाकार की कला भी यही कहती है उसको कि उसे पता नहीं लगने देना, अगर आपने गलती ऑडियंस को बता ही दी तो वो नाटक देखने क्यों आएंगे आप। मुझे यहाँ पे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ रहा है कि एक बार मैं रामलीला देखने गया था, उन दिनों में ना थिएटर में 3 घंटे में जो मामूली 10 दिन की रामलीला, वो 3-3.5 घंटे में पूरी रामलीला एक ही दिन में दिखा दे। जी जी जी। तो उसमें महाराज दशरथ स्टेज पे आ गए, लेकिन वो मुकुट पहनना भूल गए थे। तो फिर जब वो आ गए, लोगों ने लेकिन नोट कर लिया, लेकिन पीछे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने इमीडिएटली नोट किया। तो उन्होंने क्या किया कि फटा वहां से एक ट्रे पड़ी थी, उस ट्रे पे एक चुन्नी डाली और वहां पे मुकुट रखा, 2 लड़कियां खड़ी थी, उनको तासी बना के भेज दिया कि ये जाके महाराज को देखा। तो उसको उसी में लगी कवर अप कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा ऑडियंस में कि भी कैसे ये हुआ था। जी जी। एक आपका बड़ा अच्छा कोई प्ले चल रहा है, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, और बाय चांस कोई चूहा, कई बार आ जाते हैं घरों में भी आ जाते हैं, वहां थिएटर में कोई चूहा निकल रहा है या कोई बिल्ली कहीं से आ जाए, तो जो आर्टिस्ट स्टेज के वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी क्या हालत होगी और आप कैसे मैनेज करते हो उसे? नहीं सर, मतलब देखो मालिक की कृपा से खैर चूहे बिल्ली वाला तो कभी नहीं हुआ, आजकल खैर ऑडिटोरियम्स काफी प्लान्ड है इस मामले में। हाँ, एक किस्सा मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, हम आपने याद करा दिया, हम ना एक शो कर रहे थे दिल्ली में एक ऑडिटोरियम में, तो उसमें एक सीन था, एक जो मेरी माँ है
मैं उसको जाके बोलता हूँ कि माँ भाई को अंग्रेजों ने मार दिया, एक ऐसे डायलॉग था जी। और माँ और मैं ऐसे एक दूसरे को गले लग के रो रहे, तो माँ ने चुन्नी डाली हुई थी और हम दोनों का चेहरा ऐसे था, मतलब जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ तो माँ को मेरा चेहरा ऐसे लगा के हम दोनों को ऑडियंस की तरफ मुंह करके ना रोना था कि भाई ठीक है। वो सीन भी ऐसा था, माँ का बेटा चला गया, मेरा भाई चला गया, तो अचानक क्या होता है ऑडिटोरियम में ना अंधेरा होता है, और लेकिन स्टेज की लाइट की वजह से फर्स्ट दो रो या तीन रो आपको दिख रही होगी बिल्कुल ठीक। तो अचानक हमारी थी, हम आंख बंद करके रोए, जैसी आंख खुली ना एक फ्रंट रो में एक आदमी बैठा हुआ और ना ऐसे ऐसे कर रहा है डायमंड। अब वो क्या हुआ, बाई चांस मेरी को एक्टर की और मेरी नजर उस पर पड़ गई। अब हमें तो हंसी, हमें यूं हो गया एकदम। अब मैंने ना क्या किया, वो जैसे जो माँ बनी थी लड़की, उसने चुन्नी डाली हुई थी, मैंने वो चुन्नी उठा के ना अपने सर पे कर ली और मैं उस लड़की को कह रहा हूँ रिंग में चल, विंग में चल, विंग में माँ भाई चला गया, विंग में चल, विंग में चल, विंग में चल, चल अंदर चल। हम चल रोते 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 स्टेज के विंग में जाते, हम जो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे, हम पागलों की तरह, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है सर। एक हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने शो किया है जी, वो ओपन एयर शो था, वो मैं सही में कुत्ता चढ़ गया था स्टेज पे। अब हम वहां क्या था, ओपन माइक्स थे, तो माइक उठाया हमने, अब सब अपने माइक, कुछ अरेंजमेंट वहां पर ऐसा ही था कि वो माइक जो मैं बोल रहा हूँ डायलॉग, फिर वो दूसरा माइक उसको पकड़ा रहा है, वो डायलॉग बोल रहा है, इधर से कुत्ता। तो इतना वो एक बंदा था, उसमें डायलॉग था, हाँ तो हम देख लेंगे कौन कौन आएगा, उसे बड़ी अकड़ में ऐसे करके बोलना था। अब कैसे हुआ, कौन कौन आएगा, उधर से कुत्ता, वो जोर से चीख गया वो, तो पता नहीं कुत्ता डर गया क्या हुआ, तो भाई ऑडियंस उसके डायलॉग को सुनिए, वो टाइमिंग है इतनी मैच कर गई कि सारा पंडाल हंसने लगा हुआ जोर जोर से, क्या हुआ। और हम भी एक दूसरे, अच्छा जब आप एक्टर बने हुए होते हो ना तो आप हंसी आ भी रही होती है ना, तो आप मतलब आप हंसते भी ऐसे हो, मतलब फूट नहीं होती हंसी आपकी, सुन ही सकते क्योंकि आप कैरेक्टर हो। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट सर, बहुत मजा आता है पर। तो आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, सीरियस रोल भी होते हैं, कॉमेडी भी लिखते हैं आप बहुत अच्छे। कभी ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते जब आप कोई सीन लिख रहे हैं और खुद ही आपको इतनी हंसी आ गई कि ये मैंने क्या लिख दी? हाँ होता है सर, बिल्कुल होता है, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आप। हाँ 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 बिल्कुल होता है सर। और देखिए सीन डिजाइन करना भी ना कला है, वैसे तो मुझे लगता है हम जो सांस लेते हैं ये भी एक कला है कि सांस लेनी कैसे, हर चीज कला है। तो होता है कई बार ऐसा, मैं इब्ने बतूती जब प्ले लिख रहा था तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि एक 4 साल का एक माँ और बेटे की कहानी है। जब बेटा 4 साल का था तो उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और माँ ही उसको पालती है। अब बेटे की जॉब लग गई अमेरिका, तो माँ कहती है भाई तुम, कोई भी माँ होगी अपने बच्चे को ही कहेगी हाँ बेटा जाओ अपना कैरियर तुम्हारा बन जाएगा। अब बेटे को प्रॉब्लम है, मैं चला गया तो मेरी माँ को कौन देखेगा, तुम अपनी अपनी जगह ठीक है और बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बेटे को एक दिन पता लगता है कि जब मम्मी कॉलेज में थी तो मम्मी का किसी के साथ अफेयर था, तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है वो कहती है क्यों ना मम्मी की शादी कर। और हमारे समाज में कितना बड़ा ये टैबू है कि यंग एज में, मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे किसी बिटिया के साथ ऐसा हो, अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाए तो लोग तैयार करते भी चलो सारी लाइफ पड़ी है मेरी मैरिज कर लेते हैं, लेकिन जिसका 24-25 साल का बच्चा हो वो लड़का कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि माँ की शादी करना। देन सिचुएशन ऐसी आती है, माँ बड़ी तेज तर्रार है, बड़ी जॉली नेचर की है, जैसे आपका नाम जॉली है हमने उनका नाम बड़ा बहुत जॉली नेचर बनाया उनका। तो वो एक सीन उसमें आता है कि माँ जो है इस बात पर राजी हो जाती है कि चल मैं लड़का देख लेती हूँ, तो डेट मारने में ढाबे पे जाती है, हमने सीन का नाम भी रखा है अम्मा चली डेट पे। तो डेट पे बैठी हुई है और एक बंगाली है जो उसे देखने आया है, अब इधर बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे हैं और दूसरे टेबल पे माँ और वो बंगाली बैठे हुए हैं जो है कैरेक्टर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब पहला जो आता है डायलॉग, जो दूसरा आदमी है वो कहता है आप नॉनवेज खाएंगी, तो माँ उसको देख के कहती तो बेटा कहता है शाबाश शाबाश। अब वो उधर से वो पूछता है कि वो माँ कहती गोली सोडा ले आओ। अच्छा डेट मारने में ढाबे पे गए हैं जी। हम वहां लिखते हैं ऊपर फौजी का ढाबा,
तो कहती गोली सोडा ले आओ एक। वो कहता गोली सोडा क्या होता है? अब वो प्रोफेसर है बंदा, जिससे बात होनी है वो बंदा प्रोफेसर है। तो जैसी मां कहती गोली सोडा ले आओ, बेटा कहता कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा मैं, कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर करो। मतलब जो मां कर रही है उसका ऑपोजिट बेटा कर रहा है, उसे लग रहा है क्या मेरी मां की बेइज्जती ना हो जाए। तो इस इतने इमोशनल प्ले के अंदर जब ये वाला आता है ना सीन, तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि बेटा कितना प्रोटेक्टिव है माँ के लिए। मतलब घूम फिर के कहानी यह है कि वो अपनी माँ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना मजा आ रहा है मुझे सुन के, और शायद हमारे सुनने वालों को भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपीरियंस शायद उन्होंने मेरे ख्याल कभी नहीं सुने होंगे जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा कि आज की जो पीढ़ी है वो थिएटर से बहुत दूर होती जा रही है, स्पेशली हमारे दिल्ली में। बॉम्बे में भी थिएटर अभी भी काफी लोग देखते हैं, एक क्लास है। बाहर मेरा जाना होता है कई कंट्रीज में, वहां पे थिएटर को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं फिल्म से ज्यादा। यस, तो ये जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी होता जा रहा है कि पब्लिक जो है यूथ बेसिकली वो स्टेज थिएटर से दूर होता जा रहा है जी, उनको कैसे हम वापस जोड़ सकते हैं, क्या किया जा सकता है, या कैसे उनको ये मैसेज दिया जा सकता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस नहीं करो। सर मुझे लगता है एक हमने बचपन से एक वर्ड सुना है पेशेंस, सब्र जी, आजकल के बच्चों में ना वो खत्म होता जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस फोन की वजह से सर एक एक बटन के क्लिक के ऊपर वो कुछ भी खाने को मंगा सकते हैं, एक ऐप पर जाके वो अपने कहीं भी जाने के लिए अपने लिए गाड़ी या बाइक बुक कर सकते हैं, फ्लाइट में जाने के लिए वो फटाफट, ये जो फटाफट वाला टेन्योर है। और इसके लिए मैं एक कबीर का दोहा है बड़ा अच्छा जी, धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। बिल्कुल ठीक, कि आप एक पौधे में पानी डालते रहिए कि इसमें आम आ जाए, आम आ जाए, आम आ जाए, भाई जब मौसम आएगा तभी आएगा, रोग आएगा फल तभी आएगा। तो थिएटर एक ऐसी चीज है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत लोग, हम बहुत लोगों को परस्यू करके थिएटर में लाए, पर मेरा एक्सपीरियंस जो है ऑडियंस ने एक बार देखने के बाद कहती हाँ यार कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। और मैं अपने हर शो के बाद ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं कि महीने में एक दिन, महीने में एक दिन, मैं नहीं कह रहा मेरा ही शो देखिए, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, आप महीने में एक दिन थिएटर देखना शुरू कीजिए। क्योंकि ओटीटी पे कह लीजिए, फोन पे कह लीजिए, मैं इतने घरों में जाता हूं सर, मैंने नहीं देखा कि एक परिवार इकट्ठा बैठ के टीवी देखा, सब अलग अलग कमरे में देख, सब अलग अलग कमरे में बैठे और सबकी अलग अलग टेस्ट है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो माँ बाप बच्चे इकट्ठे बैठ के देख पाए। आप कोई भी ओटीटी देख लीजिए सर, मेरी 3 वेब सीरीज आई, एक वेब सीरीज में उसमें मेरे को डायलॉग में मेरे गाली नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर ने बोला तेरे को गाली दी, करना पड़ता है वहां पर क्योंकि फिल्म है। आप कितनी, आप देखिए ना वेब सीरीज कितनी आती है, अगर आप ध्यान से एक भी एपिसोड देखेंगे ना खुद लगेगा ये गाली देने की जरूरत क्या थी और क्यों देनी है गाली। आप घर से बाहर निकलते हैं कभी, जो लोग मुझे देख भी रहे मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, आप अपने पड़ोस के सब्जी मार्केट में चले जाएंगे जिस भी दिन वीकली लगती है, क्या हम आपको गाली देते लोग घूमते दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है जो देता है हम लोग होने क्या लगा था। आप YouTube पे देखिए जो नेगेटिव काम हो रहा है ना, जिसमें गाली गलोच है, कुछ लड़का लड़की के सेंसुअस से सीन है या वैसा कुछ है, ढेरों लाइक्स मिलते हैं उसको, और जो ढंग का काम है उसे लाइक भी नहीं देख, मतलब कोई लाइक तक नहीं करना चाहता। ये सोसाइटी में काफी कमी आई है कि नेगेटिविटी बहुत हावी होती जा रही है, नेगेटिविटी को लोग लाइक कर रहे हैं, और जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी एक्चुअल है जेन्युइन जी, उसको लोग इनकरेज नहीं कर रहे। सर यहाँ आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, मैं 8वीं क्लास में था, DD2 शुरू हुआ था उस टाइम जी, दूरदर्शन का सेकंड चैनल, बिल्कुल याद है। तो ना शाम को MTV आया करता था उसमें, और नए नए हमें सर थोड़ा इंग्लिश गानों का शौक हुआ था, गाने सुनने का, गाते भी थे हम सुनते भी थे। तो उसमें एक जो वीडियो जॉकी या जिसको वीजे कह सकते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें घूम रही थी कॉलेजेस के बाहर,
एंड शी वॉज टेकिंग सम इंटरव्यू ऑफ समथिंग. तो एक लड़का अकेला बैठा हुआ फुटपाथ पे, और किसी कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, कॉलेज के अंदर फेस्ट चल रहा था फरवरी का महीना. तो पागलों की तरह लड़के कूद रहे हैं लड़कियां. तो उससे पूछा उसने कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पर, सैटरडे का दिन था मुझे आज भी याद है. तो उसने कहा मेरे को ना ये सब अच्छा नहीं लग रहा. बोले क्यों नहीं अच्छा लग रहा? बोले वेस्टर्न गानों पे चल रहा है. कभी आपने अमेरिका के बारे में जानने की कोशिश की है? वो लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, तब वो सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं. हमारे यहाँ काम तो करना ही नहीं है किसी को, बस एंजॉयमेंट मिल जाए. अब कभी अगर आपको किसी का कल्चर अपनाना है तो उनका वर्क कल्चर सबसे पहले अपनाइए. मैं सर अपने काम की वजह से चाइना गया हूं कई बार, मैंने वहां ताज्जुब करता हूं सर, मैं 20-20, 22-22 साल की लड़कियां इतना बड़ा स्टोर अकेले संभालती हैं, चार लड़कियां, और कोई कस्टमर सामान ले ना ले, आप उनसे बात करोगे ना एक स्माइल फेस रहता है उनका, उन लड़कियों का. मतलब मुझे समझ नहीं आती हम चाइना को पोस्ट करें कुछ भी करें. यार एक वर्क कल्चर किसी का अच्छा है तो हम क्यों नहीं लेते सर? बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, बहुत अच्छा लगा मुझे. अब एक मैसेज जो न्यू कमर्स हैं, जो थिएटर में आना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं और कलाकार बनना चाहते हैं, उसके बाद चाहे वो टीवी में जाएं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो प्लीज आप शेयर कीजिए. मैसेज तो बस मैं यही दूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं आप, तो ये मान लीजिए एक्टर ACTOR सिर्फ 5 अल्फाबेट का शब्द नहीं है, इसमें 5 तत्व जुड़े हुए हैं, धरती आकाश पाताल वो जो भी हैं 5 तत्व, सर मैं बोल रहा हूं वो 5 तत्व जुड़े हुए हैं. आपको उन 5 तत्वों से जुड़ना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको सब्र रखना पड़ता है. और आपको एक्टर बनना है तो शायद जो लोग कैमरा एक्टिंग करते हैं वो लोग कहते हैं थिएटर की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है अगर आप थिएटर कर लेंगे साल 2 साल कहीं लगा लेते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता लग जाती है. जैसे कि हर कोई गाना ना लता मंगेशकर गा सकती थी, ना हर कोई गाना मोहम्मद रफी साहब गा सकते थे. ये म्यूजिक डायरेक्टर को पता होता था कि ये गाने के जो वर्ड्स हैं ये कौन सा सिंगर अच्छा गा पाए. आपकी तैयारी पूरी होगी तो आप बॉम्बे जाएंगे, ठीक है स्ट्रगल होती है, आपको कब काम मिलेगा ये दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता आपको. आप टीवी पे फेमस होंगे, फिल्मों में होंगे नहीं होंगे ये नहीं बता सकता आपको कोई, लेकिन अगर आपने काम सीख रखा है कोई भी काम, उसके अलावा आप जब भी कहीं भी जाएंगे आपको दिल से सेटिस्फेक्शन होगी कि काम मुझे आता है. 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके, बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूट जो 3 महीने में आपको एक्टर बना देते हैं, 6 महीने में एक्टर बना देते हैं, मुझे नहीं लगता. इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, करते रहिए सीखते रहिए, एक दिन आपको अपने अंदर से आवाज आ जाएगी यस यू हैव अराइव्ड. उस दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा, कोई भगवान आपको आके भी नहीं बता सकता कि इस दिन तू हो जाएगा. मेरे पास आइए, किसी भी थिएटर ग्रुप में आप जाइए पर सीखिए, और बहुत मजेदार फील्ड है. आप उन लोगों को जीते हैं जो आप कभी बन ही नहीं सकते, उनकी लाइफ को जीने का मौका मिलता है. इसीलिए शायद आपने अपने ग्रुप का नाम रखा हुआ है Always Learning Theatre Group. जी सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इंस्पायरिंग है कि हर दिन जो आदमी सीखता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. बिल्कुल सर, मैं सर जब 36 इयर्स का हुआ था तब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम पता लगा था कि ऐसी भी कोई संस्था है जहां से जहां पर एक्टर बनाए जाते हैं या जहां डायरेक्टर बनाए जाते हैं. अब मेरा एडमिशन ही नहीं हो सकता था क्योंकि मैं एज लिमिट क्रॉस कर रहा, तो क्या मैं एक्टर ना बनूं? तो हर दिन जो सीखता है वो ही तरक्की कर सकता है. तरक्की की बेसिक निशानी यही है कि हर दिन नहीं, हर पल आपको कुछ नया करना होगा, हर दिन कुछ सीखना होगा. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कदम बेशक छोटे छोटे हैं, लक्ष्य बड़ा रखो, गोल लाइफ का बड़ा रखो. मेरा प्रॉमिस है, मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉमिस है कि एक दिन माउंट एवरेस्ट भी आपके पैरों के नीचे होगा. एग्जैक्टली. तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप इस बारे में हेमंत जी से कुछ जानकारी चाहते हैं, थिएटर के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए, पूरी तरह से आपकी मदद की जाए, आपको गाइड किया जाए. दोस्तों अगर
आपके पास में इसी तरह का कोई यूनिक टैलेंट है जैसे हेमंत जी ने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपका भी हमारे इस शो में स्वागत है। आप हमसे संपर्क करें, अपनी डिटेल शेयर करें कमेंट बॉक्स में, हमारी टीम बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके हुनर को जमाने के सामने लेके आएंगे। आखिर में चलते चलते आप सभी के लिए मेरी यही दुआ है कि आप सभी की हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।